बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग एक डोजी फॉर्म में हुई है, और एक एक समझे इसको हम कहेंगे बेयरिश डोजी। यहाँ पे हमने अपसाइड पे जो है सेलिंग की विटनेस की है। इसको आपको मैं जरा सिंपल तरीके से बता दूं। पहले हम इसको देख लें, सीपीआर के लेवल को। सीपीआर का लेवल जो वीकली पे है वो 82,000 का। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 82,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है, जो कि इसका ये नेकलाइन सपोर्ट भी है, ये जो कैंडल बनी है इसका नेकलाइन सपोर्ट भी है, और अगर हम टू बी ऑन द सेफ साइड ले लें तो ये जिसकी विक है 81,995, तो मैंने 82,000 लिया हुआ है। तो 82,000 के ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन करना बहुत जरूरी है विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखें, मैं आपको छोटी सी मिसाल यहाँ बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं सीपीआर के लेवल जो है 82,000, मैंने आपको बताया 82,035 है। राउंड फिगर में आप 82,000 ले लें। फिर इसके बाद जो है 81,300, 292 है, तो 200 300 यहाँ पे जो है जिसे यहाँ वीक बनी थी, और यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ने अपसाइड परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी। फिर इसके बाद देखें जो लोअर बैंड है वो है 80,300 का, ठीक है ना, ये लोअर बैंड है सीपीआर का। तो इसके अगर दरमियान अगर मार्केट परफॉर्म कर रही है अच्छे वॉल्यूम के साथ विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ये अभी मार्केट इस पर बुलिश ट्रेंड में है। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था MA5 ये ट्रेंड लाइन चैनल की तरह काम करता है। जो नया आने वाले को बता दो, देखें यहाँ से अपसाइड गया, तो फिर ये जब से ये अब आप देखें तो अपसाइड ही मूवमेंट दिखा रहे हैं, और इसी ऊपर जो है ना जो भी कैंडल है या वीक बन रही है इसके करीब ही बन रही है, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर आ रही है। चाहे वो बेरिश कैंडल की हो चाहे बुलिश कैंडल की हो, क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के जो ऊपर आ रही है MA5 को, जो मैंने बताया था। अब यहाँ पे भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, यहाँ इसको जो है ब्रेक किया था, ठीक है, इसको ब्रीच किया था, तो अच्छे मतलब समझे ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ, और अच्छा इसमें हमने इसमें स्प्रेड भी काफी देखा इंडेक्स का। लेकिन अगले वीक से जो है इसको एक बेरिश कैंडल सॉरी बुलिश कैंडल इसको निगेट किया। अच्छा, हमेशा याद रखें कभी किसी का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो उसकी कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। अगर देखें इसके नीचे कोई एक बहुत बड़ी कैंडल फिर नीचे बनती बेरिश कैंडल, तो इसकी इस कैंडल की ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन हो जाती है, फिर मार्केट नीचे की तरफ परफॉर्म करती है। लेकिन इस बुलिश कैंडल ने जो है इसको निगेट किया है, और इसके बाद जो है फिर मार्केट जो है अगेन इसके अपसाइड पर जो है परफॉर्मेंस कर रही है MA5 के ऊपर। तो यहाँ पे देखा, फिर यहाँ पे भी एक विक बनी, फिर इसके बाद ये देखें यहाँ पर ये जो वीक है तकरीबन 27 जुलाई को, 27 जुलाई समझेंगे, यहाँ पर ये एक बेरिश कैंडल बनी, इसको ब्रेक किया इस लेवल को। ट्रेंड लाइन जो है लेवल चल रहा है यहाँ पे, ये MA5 का ट्रेंड लाइन चैनल है। अच्छा, इसको देखें इस चैनल के नीचे फिर ये आसपास ही जो है ना इंडेक्स है परफॉर्म करता रहा। ये देखें यहाँ पे ये डोजीज बनना शुरू हो गए। यहाँ पे इंडिसाइसिव का मतलब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बायर भी सोच रहे हैं कि हम बाय करें ना करें, और सेलर भी सोच रहे हैं कि हम बाय करें ना करें, ठीक है। तो इस वक्त फिर इसके बाद जो है जाहिर सी बात है आपको फिर काफी न्यूज मिले मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, कि उसमें भी जो है हमने डिक्रीज देखा 150 बेसिस पॉइंट का, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने देखा। फिर IMF की तरफ से लोन भी मिला, तो इस ये सब मिला जुला रुझान यहाँ पे हमको नजर आया। लेकिन इस दौरान एक और भी खबर चल रही थी जिसको मैंने सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे शेयर भी किया था, वो ये था कि जो वैनगार्ड फंड है, तो वैनगार्ड फंड के थ्रू FTC जो है वो वैनगार्ड फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रही थी, तो उसका जो है उनको 20 सितंबर तक जो है उनको अपने थोड़े पोर्टफोलियो में से ये सेल करने थे। कुछ शेयर थे, वो मैंने उसकी पूरी डिटेल शेयर की हुई है, तो उन शेयर की वजह से उनका जाहिर ऑब्वियसली वेटेज ज्यादा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हम यहाँ पे सेलिंग देख रहे हैं। इसलिए मार्केट कैपिटल, इसलिए हमने देखा कि ये मार्केट अपसाइड यहाँ से ऊपर गई है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ यही हाई किया था इसने तकरीबन 19 जुलाई बनता है, 19 जुलाई को फ्राइडे को ये इसका हाई था, ठीक है। क्लोजिंग तो यहाँ आई है, ये वाली क्लोजिंग जो फ्राइडे की आई थी वो तकरीबन 80,117 के अराउंड आई थी, ठीक है। लेकिन हाई जो किया था उसने 81,900 के अराउंड जो हाई किया था इसी वीक में ही, ठीक है। ये हम जाएंगे 15 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक, तो ये एक अच्छा मतलब यहाँ से परफॉर्मेंस नजर आई थी। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सेलिंग हमने विटनेस की, क्योंकि अपसाइड पे कोई भी अगर बॉडी है और उसके अपसाइड पे कोई भी वीक बन रही हो, अपसाइड पे वीक बनना रिजेक्शन कहलाता है, कि यहाँ पे
सेलिंग आ रही है, ठीक है, इसको जो है ना इन्वेस्टर जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं और यहाँ पे सेल कर रहे हैं। वही वो अगेन देखें फिर ये बेरिश कैंडल बनी या डोजी बनना शुरू है, फिर ये कि बुलिश कैंडल बनी, फिर अगेन यहाँ पे हम अच्छा इसके ऊपर अब ये जैसे फर्ज करें यहाँ पर जो है 81,939 का हाई था और यहाँ पे जो है 82,900 का, ठीक है, 100 पॉइंट का इजाफा, लेकिन यहाँ पे देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो डिक्रीज हुआ इसके मुकाबले में। हालांकि इसके मुकाबले में इंडेक्स हाई तरफ गया, हायर साइड पे गया, लेकिन वहां पे हमने सेलिंग विटनेस की है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं टेक्निकली क्या हुआ है, ठीक है। अब ये मैं आपको यहां से ले लेता हूँ, ठीक है, यहां से हम एक बुलिश कैंडल बनी थी तो हम यहां से एक ट्रेंड लाइन यहां से बनाना शुरू कर देंगे, यहां इसको लेंगे, इस बुलिश कैंडल के हम क्लोजिंग लेंगे और ये इसकी क्लोजिंग से हम मिलाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये एक ये अपसाइड पे ट्रेंड लाइन जो बन रही है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जिसको हम ट्रेंड लाइन कहेंगे, तो वहां पे हम जिसको है सेलिंग विटनेस कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर मैं इसको यहाँ पे विक बन सकती है, तो यहां पे आपने सेलिंग ही करनी है जब तक इसके ऊपर, मैं आपको एहतियातन ये एक लेवल दे देता हूँ, ठीक है, ये वाला इसको मैं जो है ग्रीन कलर सॉरी रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ठीक है, वो बन रहा है 82,500 के अराउंड, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ गया इसमें, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें थोड़ा सा मैंने ये बना के रखा है पहले से कि यहाँ पे देखिए अपसाइड भी जा रहा है ट्रेंड लाइन, देखिए दोनों तरफ से जो है हमको वो मिल रहा है डाइवर्जेंस, एक तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में डाइवर्जेंस मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें जैसे मैंने आपको बताया 10,663 बिलियन का था, यहाँ पे थे मार्केट ऊपर गए, लेकिन इसमें हमने डिक्रीज देखा, इंक्रीज भी नहीं देखा ना, बराबर था बल्कि डिक्रीज देखा, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग आई, इसका मतलब यही है, और यहाँ पे भी देखिए हल्का सा नीचे की तरफ डाइवर्जेंस आ रहा है, यहाँ ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है और यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ रही है आरएसआई की तरफ। अच्छा आरएसआई भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, यहाँ पे देखें आरएसआई जो था वो 76 पे था और यहाँ पे जो आरएसआई है वो 70 पे है, मतलब आरएसआई भी इतना नहीं बढ़ा, ठीक है, मतलब इतना कुछ ज्यादा बुलिश नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए 76 था और इससे ऊपर मार्केट ने परफॉर्म किया लेकिन आरएसआई नहीं बढ़ा इतना। अच्छा अब आ जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, हम ये लेंगे क्योंकि इसको निगेट किया था, इसकी क्लोजिंग हम लेंगे यहां से, ठीक है, हम ये 3 जून की हम ये कैंडल लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसकी क्लोजिंग आई थी 73,754 के अराउंड, ठीक है, यहाँ इसको लेंगे हम, और ये अपसाइड पे अगर देखें इसको देखें तो यहाँ पर एक इसकी बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, यहां से इसको हम देख लेते हैं ये। अच्छा अब देखें इसी ट्रेंड लाइन को, ये एक ही सपोर्ट अच्छी बनती हुई नजर आ रही है, अभी नीचे भी मैं आपको ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बता देता हूँ, ठीक है, ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन सपोर्ट है यहाँ पे, इसको भी मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ क्योंकि ये मेरे कस्टमाइज कलर है तो उसमें इसमें समझने में भी आसानी हो जाती है, कभी कभी लिखना भूल जाए तो आप समझ जाएंगे भी ग्रीन कलर है तो नीचे की और ऑब्वियसली मतलब नॉर्मल सी बात है कि नीचे की तरफ कोई लाइन बन रही है तो सपोर्ट ही होगी क्लोजिंग के नीचे जो भी बन रही है। अच्छा इस पे भी मैं बहरहाल फिर भी मैं लिख देता हूँ, इसी को मैं क्लोन कर देता हूँ, आप कॉपी भी कर सकते हैं, आप क्लोन कर दें क्लोन में आपको सीधा सीधा लिखा मिल जाएगा, आप इसको यहाँ एडिट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको लिखा देता हूँ ट्रेंड लाइन सपोर्ट, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ये आ गए ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ठीक है। अब मैं कुछ ज्यादा इतनी बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बस आपको छोटा सा समझाने के लिए है कि यहाँ पे एक तो ये यहाँ पे राइजिंग वेज भी बन रहा है जो कि एक बेरिश पैटर्न है, ये उस पर भी बन रहा था, डेली पे भी बन रहा था, मैंने आपको शेयर किया था,
और वही हुआ, इसका ब्रेकआउट मिला डेली पे, लेकिन वीकली पे देखें परफॉर्मेंस उसकी वही रही है जो पहले जैसी थी। इतनी कोई खास हमने इसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं देखा है, ना मार्केट कैपिटलाइजेशन में ना जो है इंडेक्स पे हमने कोई देखा। क्लोजिंग भी आप देखें तो 81,200 पे, 82,000 के नीचे ही आई है क्लोजिंग भी, ठीक है ना। ये तो मैं कह रहा था टू बी ऑन द सेफ साइड के भाई 82,500, वरना अगर 82,000 के ऊपर भी परफॉर्म करती मार्केट, या इसके अगले आने वाली वीक में देख सकते हैं अगर मार्केट इसके ऊपर परफॉर्म करती है विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन तो मजीद ही अपसाइड परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अभी इस वक्त फिलहाल जो है ये डाउन साइड ही नजर आ रहा है, क्योंकि अब तो इसमें भी डाइवर्जेंस आ रहा है वीकली पे भी, और एक वीकली पे भी अब यहाँ पे आप देखें तो राइजिंग वेज बन रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, आप ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग बंद कर दें, आप ट्रेडिंग करें। देखिए बहुत से स्टॉक है जिनके जो अंडर वैल्यू आ गए हैं उनको आप पिक करें, जिनका आर एस आई बहुत लो है। तो कहने का ये इंडेक्स शेयर करने का मतलब ये है कि अप साइड पे ज्यादा एग्रेसिव ना हो, जब तक कि कोई ब्रेकआउट नहीं मिलता अच्छा सा अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब आप एग्रेसिव बाय कर सकते हैं। वरना अच्छे अच्छे स्टॉक है जिनपे मैंने शेयर किया हुआ है, जिनकी सेलिंग है फॉरेनर की, वो आप बाय करें, ठीक है। जिस तरह म्यूचुअल फंड जो है बाय कर रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी समझ रहा है कि भाई ठीक है नीचे की तरफ जो फॉरेन कॉर्पोरेट जो सेलिंग कर रहे हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, अच्छे अच्छे स्टॉक जो है वो उसमें एक्यूमुलेट कर रहा है। जिसकी मिसाल आप देख लें एफएफसी है, ओजी है, ये देखिए इन्होंने ये यहाँ पे एक्यूमुलेट किए और अपसाइड पे ये बाय भी कर रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म रखना चाहें तो अपसाइड पे बाय कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है टेक्निकली मार्केट अगर नीचे आ रहे तो उसका फायदा उठाएं। एचयूबीसी बहुत अच्छा है इस वक्त, एचयूबीसी की जो फेयर वैल्यू है 168 है और इस वक्त अराउंड 121, 123, 124 इस तरह के अराउंड मिल रहा है आपको। तो ये आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और जैसे ही और भी नीचे आ रहा हो तो थोड़ा थोड़ा करके इसको आप अपने पोर्टफोलियो में इसको बिल्डअप करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।